बाकी दोस्तों अगर आपको यहाँ से ये ब्लैंक रो रिमूव करनी है तो आपको दोबारा ब्लैंक रो पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ से जो ब्लैंक रो है ये रिमूव हो जाएगी। तो फिलहाल हमें यहाँ पर ब्लैंक रो चाहिए तो इसके लिए हम यहाँ ब्लैंक रो पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी MIS रिपोर्ट बनके आई है इसे एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये अमाउंट दिया गया है सितंबर 2019 का 76,98,198। तो इसे हम अपनी मास्टर शीट से चेक कर लेते हैं। तो हम शीट वन में आएंगे और यहाँ से हम फिल्टर लगाएंगे डेट पर, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये 2019 की जो मंथ वाइज सेल है या जो डेटा है वो आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें सितंबर का देखना है तो हम सितंबर पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ टोटल पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर सम ऑफ अमाउंट देख सकते हैं 76,98,198.46 आ रहा है और यही अमाउंट आपको यहाँ पर भी शो हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारी MIS रिपोर्ट बन के आई है ये ओके है, इसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये हो गई हमारी पहली MIS रिपोर्ट मंथ वाइज टोटल सेल की। इसके बाद यहाँ पर हमें तीन और तरह की MIS रिपोर्ट बनानी है तो इसके लिए हमें यहाँ पर तीन और पीओट टेबल इंसर्ट करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जो पहली पीओट टेबल है हम इसे कॉपी करेंगे। इसके बाद हम इस पीओट टेबल को तीन जगह और पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पर ये पीओट टेबल इंसर्ट हो जाएगी। इसके बाद अगली जो MIS रिपोर्ट हम बनाना चाहते हैं रनिंग सेल की बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे रनिंग सेल। इसके बाद हम तीसरी MIS रिपोर्ट सेल चेंज की बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर जो हेडिंग है इसे चेंज करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे सेल चेंज। इसके बाद चौथी जो MIS रिपोर्ट हम बनाना चाहते हैं वो परसेंटेज सेल चेंज की बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ हेडिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज सेल चेंज। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जितनी भी पीओ टेबल हैं इन सभी के कॉलम की विड्थ हम बढ़ा लेते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे कोने पर तो जो हमारी पूरी सीट है ये सिलेक्ट हो जाएगी, किन्हीं दो कॉलम के बीच में आएंगे। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो कॉलम की विड्थ है ये ऑटो फिट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर जो मंथ के कॉलम की विड्थ है वो थोड़ा ज़्यादा ही कम हो गई तो हम इसे थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी पहली MIS रिपोर्ट है ये ओके है क्योंकि इसे हमने वेरीफाई कर लिया था। इसके बाद हम यहाँ पर रनिंग सेल की MIS रिपोर्ट बनाना सीख लेते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे किसी वैल्यू पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर माउस का राइट बटन प्रेस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सो वैल्यू एस का, तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर आएंगे इस साइड आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमें रनिंग टोटल कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पर रनिंग टोटल इन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा बेस फील्ड का, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट डेट आ रहा है तो हमें इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ईयर का भी ऑप्शन मिल जाएगा, बाकी यहाँ पर कई बार मंथ भी आ जाता है। तो आप यहाँ पर अपना रनिंग टोटल किस तरह कैलकुलेट करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पर डेट वाइज अपना रनिंग टोटल निकालना चाहते हैं तो आप डेट पर क्लिक करेंगे, अगर आप अपना ईयर वाइज रनिंग टोटल निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ ईयर सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर मंथ वाइज अपना रनिंग टोटल निकालना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर मंथ नहीं आ रहा इसलिए हम यहाँ डेट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे मंथ वाइज हमारा रनिंग सेल निकल के आ चुका है। अब इसे हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, जैसे कि अगस्त की आप सेल देखेंगे यहाँ पर आ रही है 6,19,31,993, ओके ये अगस्त की रनिंग सेल है। इसके बाद अगर हम यहाँ अप्रैल से लेकर अगस्त तक का डेटा सिलेक्ट करें और इसके बाद अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे तो वही वैल्यू आपको यहाँ पर शो होगी जो वैल्यू यहाँ पर शो हो रही थी, ओके। इसके बाद अगर आप रनिंग टोटल के सबसे लास्ट के मंथ में आएंगे दिसंबर में तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो अमाउंट यहाँ पर आ रहा है यही अमाउंट यहाँ पर भी आ रहा है। मतलब ये कि ये जो हमारी रनिंग सेल की MIS रिपोर्ट बनके आई है ये एक्यूरेट है, इसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। रनिंग सेल में होता ये है कि जो हमारी सेल होती है वो कंटिन्यू प्लस होते चली जाती है, जैसे कि अगर आपने अप्रैल में 5 रुपये का सेल किया, मई में 5 रुपये का सेल किया और जून में 5 रुपये का सेल किया
तो अगर आप जून तक का अपना रनिंग टोटल निकालेंगे तो आपको 15 दिखाएगा। ओके ठीक, इसी तरह अगर हम यहाँ पर अप्रैल से लेकर जून तक का डेटा सिलेक्ट करें तो यहाँ पर आप देखेंगे जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है वही वैल्यू आपको यहाँ पर शो होगी। इसके बाद दोस्तों हम अपनी अगली MIS रिपोर्ट बना लेते हैं। तो अगली MIS रिपोर्ट होगी सेल चेंज की। तो सेल चेंज की MIS रिपोर्ट बनाने के लिए आपको इस कॉलम में किसी भी वैल्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर माउस का राइट बटन प्रेस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है शो वैल्यू एस का। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर आएंगे इस साइड आपको यहाँ पर और भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है डिफरेंस फ्रॉम का, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको बेस फील्ड का, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट डेट आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पर अपना मंथली सेल चेंज कैलकुलेट करना चाहते हैं या डेट वाइज सेल चेंज कैलकुलेट करना चाहते हैं या ईयरली सेल चेंज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप यहां से वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहां पर मंथली सेल चेंज कैलकुलेट करना है, मंथली सेल चेंज की MIS रिपोर्ट बनानी है, लेकिन यहां पर मंथ नहीं आ रहा, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम यहां पर डेट का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो अगर आप यहां पर डेट का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो ये ऑप्शन आपका मंथ के लिए भी काम करता है और डेट के लिए भी काम करता है। तो हम सिंपली यहां डेट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहां पर बेस आइटम देखने को मिल जाता है, तो यहां पर बाय डिफॉल्ट मई आ रहा है क्योंकि जो हमारा सेल सिलेक्ट है वो मई मंथ का सिलेक्ट है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम यहां पर जो सेल चेंज है वो किस हिसाब से कैलकुलेट करना चाहते हैं। जैसे कि हम ये चाहते हैं कि अगर हमने अप्रैल मंथ में 10 रुपए का सेल किया और मई मंथ में 20 रुपए का सेल किया तो मई मंथ का जो हमारा सेल चेंज आना चाहिए वो 10 रुपए का आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ प्रीवियस वाला ऑप्शन चूज करेंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सेल चेंज निकल के आ चुका है। तो दोस्तों अगर आप इस MIS रिपोर्ट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको मई मंथ में 12,52,113 रुपए का माइनस में सेल दिखा रहा है। तो अगर आप यहाँ पहली MIS रिपोर्ट को देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्रैल मंथ की सेल बहुत ज्यादा है और यहाँ पर मई मंथ की सेल कम है। अप्रैल मंथ में लगभग हमारी जो सेल थी ये 87 लाख थी और यहाँ मई मंथ में सेल जो थी ये थी 74 लाख। तो यहाँ पर अप्रैल के मुकाबले जो हमारी मई मंथ की सेल थी वो लगभग 12,52,000 कम थी। ठीक इसी तरह आप यहाँ पर बाकी के मंथ का देख सकते हैं, जो हमारी नवंबर मंथ की सेल है वो अक्टूबर के मुकाबले कम थी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अक्टूबर मंथ की सेल बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर ये है 3,15,98,349 और नवंबर मंथ की आप सेल देख सकते हैं कितनी कम है। तो यहाँ पर ये जो नवंबर मंथ की सेल थी 2,39,80,709 रुपए कम सेल हुई नवंबर मंथ में अक्टूबर के मुकाबले। और अगर आप यहाँ पर दिसंबर मंथ का सेल चेंज देखेंगे तो यहाँ पर नवंबर मंथ के मुकाबले दिसंबर में ज़्यादा सेल हुई और आप यहाँ पहली वाली MIS रिपोर्ट में देख सकते हैं नवंबर में कम सेल हुई है और यहाँ दिसंबर मंथ में ज़्यादा सेल हुई है। कितनी ज़्यादा या कम हुई है उसकी रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि 1,41,70,360 रुपये दिसंबर में ज़्यादा सेल हुई है नवंबर मंथ के मुकाबले। दोस्तों यहाँ पर जो हमने तीसरी MIS रिपोर्ट बनाई है सेल चेंज की, अगर यहाँ पर आप वैल्यू को परसेंटेज में दिखाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर अपनी अगली MIS रिपोर्ट बनाना चाहते हैं परसेंटेज सेल चेंज की, तो इसके लिए आपको क्या करना है, किसी भी वैल्यू पर क्लिक करना है, माउस का राइट बटन प्रेस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आना है शो वैल्यू एज में, आपको यहाँ पर और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है डिफरेंस परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम का, इस पर हम क्लिक करेंगे। बेस फील्ड में हम डेट सिलेक्ट करेंगे, बेस आइटम में आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम प्रीवियस चूज करेंगे। इसके बाद हम यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर कितने परसेंट सेल चेंज हुआ वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारी मई मंथ की सेल है वो अप्रैल के मुकाबले कम हो चुकी है 14%। ठीक इसी तरह अगर आप सितंबर मंथ की सेल देखेंगे तो यहाँ पर ये अगस्त के मुकाबले 62% कम हो चुकी है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो अगस्त की सेल है वो सितंबर के मुकाबले डबल है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर दो स्लाइसर इंसर्ट करेंगे, पार्टी नेम का, आइटम नेम का,
ताकि जब भी हमें अपना पार्टी वाइज MIS रिपोर्ट बनाना हो तो हम पार्टी नेम पर क्लिक करें और जो हमारी MIS रिपोर्ट है वो बन जाए। ठीक इसी तरह अगर हमें आइटम वाइज अपनी MIS रिपोर्ट बनानी हो तो हम आइटम पर क्लिक करें और हमारी आइटम वाइज MIS रिपोर्ट बन के आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है इंसर्ट टैब में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर स्लाइसर का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको वो सभी हेडिंग्स देखने को मिल जाती हैं जो आपके मेन डेटा में थी। तो यहाँ पर हम पार्टी नेम पर टिक लगा देंगे और यहाँ पर आइटम नेम पर टिक लगा देंगे। इसके बाद हम यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप लोग देखना दो स्लाइसर इंसर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम इन दोनों स्लाइसर को उठा के साइड में ले आते हैं, इसे भी हम उठा के साइड में ले आते हैं। दोस्तों अगर आपको किसी भी स्लाइसर में कॉलम की संख्या बढ़ानी है या घटानी है तो आपको यहाँ पर स्लाइसर पर क्लिक करना है। ऑप्शंस में आपको यहाँ पर कॉलम लिखा हुआ मिल जाता है, तो यहाँ पर एक लिखा आ रहा है। तो अगर आपको यहाँ कॉलम बढ़ाना है तो आप यहाँ ऊपर वाले एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्लाइसर है इसमें कॉलम बढ़ चुके हैं। ठीक इसी तरह आप यहाँ पर और भी कॉलम बढ़ा सकते हैं। बाकी अगर आप इसकी विड्थ को कम या ज्यादा करना चाहें तो आपको यहाँ स्लाइसर में चारों तरफ ये सर्कल का आइकन देखने को मिल जाता है। तो आप जैसे ही इस सर्कल के आइकन पर आएंगे इसके बाद आपको यहाँ पर डबल साइड एरो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप इसे आगे की तरफ ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर जो आपके स्लाइसर की विड्थ है वो बढ़ जाएगी। स्लाइसर की विड्थ को कम करना चाहें, हाइट को कम करना चाहें तो यहाँ से आप कुछ इस तरीके से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें यहाँ पर एक ही कॉलम रखना है तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे नीचे वाले डाउन एरो की पर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सिंगल कॉलम में आ चुका है स्लाइसर। इसके बाद इसकी जो विड्थ है इसे भी हम कम कर लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से आप इसकी विड्थ को कम कर सकते हैं। इसके बाद हम अपनी शीट में आते हैं। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ किसी पार्टी नेम पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी लास्ट वाली MIS रिपोर्ट है सिर्फ वही चेंज हो रही है, बाकी की MIS रिपोर्ट यहाँ पर नहीं चेंज हो रही है। तो यहाँ से फिल्टर हम हटाते हैं। तो इसका रीजन क्या है, ये बाकी की MIS रिपोर्ट क्यों नहीं चेंज हो रही, इसे बताने से पहले यहाँ पर जितनी भी MIS रिपोर्ट है हम इन सभी में बॉर्डर सेट कर देते हैं ताकि जो हमारा डेटा है वो हमें अच्छे तरीके से दिखाई दे। तो बॉर्डर सेट करने के लिए हम यहाँ पर अपनी सभी पीओट टेबल का सिलेक्शन करेंगे, कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे और आप अपनी सभी MIS रिपोर्ट को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको जाना है होम टैब में, यहाँ पर आपको बॉर्डर का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ऑल बॉर्डर चूज करेंगे तो यहाँ पर सभी MIS रिपोर्ट में बॉर्डर आ जाएगा और यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो हमें क्लियरली नजर आ रहा है। इसके बाद हम आते हैं अपनी प्रॉब्लम पे। तो यहाँ पर जो हमने दो स्लाइसर इंसर्ट किए हैं, इन दोनों स्लाइसर को इंसर्ट करते समय हमने अपनी फोर्थ वाली MIS रिपोर्ट में कहीं पर क्लिक किया था, इसलिए ये जो दोनों स्लाइसर हैं ये दोनों स्लाइसर इस वाली MIS रिपोर्ट से लिंक हो गए, लेकिन यहाँ पर जो बाकी की MIS रिपोर्ट है ये इनसे कनेक्ट नहीं हुए। तो इसे कनेक्ट करने के लिए, इन दोनों स्लाइसर को कनेक्ट करने के लिए हमें स्लाइसर पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर माउस का राइट बटन प्रेस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर रिपोर्ट कनेक्शंस का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी लास्ट वाली पीओट टेबल है इस पर टिक लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो बाकी की पीओट टेबल है इन पर टिक नहीं लगा। तो इसे कनेक्ट करने के लिए बाकी की पीओट टेबल से यहाँ पर हमें टिक लगा देना है। इसके बाद हम यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ किसी पार्टी नेम पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी सभी MIS रिपोर्ट हैं वो चेंज हो रही हैं। फिल्टर को हटाने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिल्टर हट जाएगा, सभी पार्टियों का यहाँ पर डेटा आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम किसी आइटम नेम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ फोर्थ वाली जो MIS रिपोर्ट है ये चेंज हो रही है, बाकी की नहीं हो रही। तो इस वाले स्लाइसर को भी हमें बाकी की MIS रिपोर्ट से कनेक्ट करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ से स्लाइसर हटाएंगे, इस वाले स्लाइसर पर क्लिक करेंगे, माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद आपको रिपोर्ट कनेक्शंस में आना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जितनी भी पीओट टेबल आपको दिखाई दे रही है इन सभी पर आपको टिक लगा देना है। ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ किसी आइटम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी भी MIS रिपोर्ट हैं, जितनी भी पीओट टेबल हैं, ये सभी चेंज हो रही हैं। अब दोस्तों अगर हमें यहाँ पर गैस स्टोव की MIS रिपोर्ट बनानी है तो हम सिंपली यहाँ गैस स्टोव पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये गैस स्टोव की MIS रिपोर्ट बन के आ जाएगी।
हीटर की बनानी है तो हीटर पर क्लिक करेंगे, हीटर की MIS रिपोर्ट बनके आ जाएगी। इसे मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो पहली वाली MIS रिपोर्ट है, इसमें आप हीटर की सेल देख सकते हैं, अप्रैल मंथ में है 15,65,691 अप्रैल मंथ में 2019 में हीटर की सेल। ओके, हीटर पर हमने क्लिक किया तो ये हीटर की सेल आ रही है। यहाँ पर हम अपनी सीट वन में आते हैं, जो हमारा मेन डेटा है। यहाँ पर जो फिल्टर लगा है इसे यहाँ से हम रिमूव करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा आइटम है हीटर, हम उसे यहाँ से फिल्टर करेंगे, हीटर सिलेक्ट करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, ये हीटर की सेल आ गई। इसके बाद यहाँ पर हमें कौन से मंथ का चाहिए, अप्रैल मंथ का चाहिए, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो 2020 है इसे हम अनसिलेक्ट करेंगे क्लिक करके। इसके बाद हम यहाँ प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो 2019 है इस पर भी टिक लगा देंगे, ताकि यहाँ से जो बाकी के मंथ हैं ये सभी अनसिलेक्ट हो जाएं। इसके बाद हम यहाँ मंथ अप्रैल चूज करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर अप्रैल 2019 में हीटर की जो सेल होगी वो यहाँ पर निकल के आ जाएगी। अगर हम यहाँ टोटल वाले कॉलम पर क्लिक करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 15,65,691.26। इसके बाद हम सीट टू में चलते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वही अमाउंट यहाँ पर शो हो रहा है। इसके बाद दोस्तों मान लीजिए हमें पार्टी वाइज अपनी MIS रिपोर्ट बनानी है, तो सबसे पहले आपको यहाँ आइटम नेम पे से फिल्टर हटाना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर जिस भी पार्टी की MIS रिपोर्ट बनाना चाहते हैं आपको सिंपली उस पार्टी के नेम पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर जो आपकी MIS रिपोर्ट है ये बन के आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों मान लीजिए हम यहाँ पर मनोज एंड कंपनी की MIS रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ मनोज एंड कंपनी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये मनोज एंड कंपनी की MIS रिपोर्ट बनके आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम इसकी टोटल सेल वेरीफाई कर लेते हैं। तो इसको हमने टोटल सेल किया है 2,65,65,000। सीट वन में चलते हैं, इसकी टोटल सेल चेक करेंगे, तो यहाँ पर जो हमने फिल्टर लगाया है इसे रिमूव करेंगे। फिल्टर रिमूव करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन एक साथ प्रेस करेंगे, तो यहाँ से जो फिल्टर है ये रिमूव हो जाएगा। दोबारा फिल्टर लगाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें मनोज एंड कंपनी का टोटल सेल देखना है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से मनोज एंड कंपनी चूज करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ हम टोटल वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2,65,65,638 का यहाँ पर अमाउंट आ रहा है, वही अमाउंट यहाँ पर भी आ रहा है। इसके बाद दोस्तों मान लीजिए हम यहाँ पर मनोज एंड कंपनी की एप्रॉन और गैस स्टोव की MIS रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमें इन दोनों आइटम को सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए हम पहले एप्रॉन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर मनोज एंड कंपनी को हमने जितना एप्रॉन सेल किया होगा उसकी MIS रिपोर्ट बनके आ जाएगी। अब हमें यहाँ पर गैस स्टोव की भी चाहिए, तो हम यहाँ पर कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे और गैस स्टोव पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये दोनों आइटम सिलेक्ट हो चुके हैं और यहाँ पर मनोज एंड कंपनी का एप्रॉन और गैस स्टोव की MIS रिपोर्ट बनके आ चुकी है। बाकी दोस्तों अगर आपको यहाँ पर दो तीन पार्टियों की इकट्ठी MIS रिपोर्ट बनानी है तो इसके लिए आपको यहाँ से फिल्टर हटाना है, यहाँ से भी फिल्टर हटाना है। इसके बाद आपको पहली पार्टी पर क्लिक करना है जिसकी आप MIS रिपोर्ट बनाना चाहते हैं। क्लिक करने के बाद आप बाकी की अपनी उन सभी पार्टियों को सिलेक्ट करेंगे जिसके लिए आप MIS रिपोर्ट बनाना चाहते हैं। जैसे कि मैं भोला एंड कंपनी की MIS रिपोर्ट चाहता हूं और खन्ना इंडस्ट्रीज की भी चाहता हूं, तो यहां पर हम कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे और अपनी बाकी की जो पार्टीज हैं उन सभी का नाम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बटन छोड़ेंगे, तो यहाँ पर MIS रिपोर्ट बन के आ जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आपको जो तीन पार्टियां हाईलाइट होती दिखाई दे रही हैं, अंबे एजेंसी, भोला एंड कंपनी, खन्ना इंडस्ट्रीज, अगर आप इन तीनों पार्टियों के लिए किसी पर्टिकुलर आइटम की MIS रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो पार्टी नेम सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आइटम पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आप जिस भी आइटम की MIS रिपोर्ट बनाना चाहते हैं वो रिपोर्ट यहाँ पर बन के आ जाएगी जैसे ही आप यहाँ आइटम नेम पर क्लिक करेंगे। दो आइटम का चाहिए, तीन आइटम का चाहिए, तो आप यहाँ कंट्रोल बटन दबा के रखिए और अपने आइटम को सिलेक्ट करिए, कंट्रोल बटन छोड़ेंगे, MIS रिपोर्ट बन के आ जाएगी। दोस्तों अगर हम अपने मेन डेटा में कोई नई एंट्री करते हैं तो वो हमारी MIS रिपोर्ट में ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होती, उसे हमें अपडेट करना होता है। तो MIS रिपोर्ट को अपडेट करने के लिए आपको MIS रिपोर्ट में आना है। इसके बाद आपको यहाँ डेटा टैब में जाना है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे।
इसके बाद आपको यहाँ पर रिफ्रेश ऑल का ऑप्शन मिल जाता है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है रिफ्रेश ऑल का, आप इस पर क्लिक करेंगे। बाकी इसका शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट F5। तो अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट और F5 बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो आप अपनी MIS रिपोर्ट को रिफ्रेश कर सकते हैं। बाकी आप यहां रिफ्रेश ऑल पर क्लिक करके भी अपनी MIS रिपोर्ट को रिफ्रेश कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप MS Excel में डायनेमिक MIS रिपोर्ट बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम MS Excel में डायनेमिक MIS रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड क्रिएट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इस वीडियो का डेमो दिखा देता हूं। अगर आपको डेमो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी मास्टर शीट। इस मास्टर शीट में हमने करीब 500 एंट्रीज की हुई हैं। इस मास्टर शीट के बेस पर हमने अपनी MIS रिपोर्ट तैयार की है और इस MIS रिपोर्ट के बेस पर हमने अपना डैशबोर्ड तैयार किया है। यहाँ पर जो हमने MIS रिपोर्ट तैयार की है इसे हमने पीओट टेबल की मदद से किया है, और यहाँ पर जो हमने डैशबोर्ड तैयार किया है इसके लिए हमने यहाँ पर पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, बार चार्ट और यहाँ पर 3 स्लाइसर और 1 टाइमलाइन का यूज किया है। यहाँ पर जो हमारी MIS रिपोर्ट है और जो हमारा डैशबोर्ड है दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर मैं यहाँ पर किसी भी तरह का डेटा फिल्टर करके लाता हूँ तो वही डेटा आपकी MIS रिपोर्ट में भी आ जाएगा। जैसे कि हम डैशबोर्ड में आते हैं, यहाँ पर हम मान लीजिए इन चार पार्टियों का डेटा फिल्टर करके लाना चाहते हैं, तो हम इस पार्टी नेम पर क्लिक करेंगे और जो हमारी बाकी की 3 पार्टियां हैं इनका भी सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पर आप लोग देखेंगे हमने जो 4 पार्टी सिलेक्ट की हैं इन चारों पार्टियों का डेटा यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर जो हमारे सभी चार्ट हैं ये ऑटोमेटिक चेंज हो चुके हैं। MIS रिपोर्ट में जाएंगे तो आपको इन्हीं 4 पार्टियों का डेटा यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर जो सेल्समैन की सेल क्वांटिटी है वो भी इन्हीं 4 पार्टीज की है और यहाँ पर जो आइटम सेल हुए हैं इन सभी पार्टीज के द्वारा उनकी डिटेल यहाँ पर आ गई है। डैशबोर्ड में जाएंगे, यहाँ से फिल्टर रिमूव करेंगे तो यहाँ पर आपकी सभी पार्टीज का डेटा आ जाएगा। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर ये देखना है कि अजय, करण, मनोज इन तीनों सेल्समैन ने कितनी कितनी सेल की किस किस पार्टी को किया, तो इसके लिए हम अजय पर क्लिक करेंगे। बाकी के जो 2 सेल्समैन हैं इनका भी नाम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इन तीनों सेल्समैन का जो डेटा होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। MIS रिपोर्ट में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको इन्हीं 3 सेल्समैन का डेटा यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर इन 3 सेल्समैन के द्वारा कितनी पार्टीज को कितनी सेल हुई है ये डेटा आ गया। यहाँ पर इन तीनों सेल्समैन ने कितनी क्वांटिटी सेल की है वो यहाँ पर आ गया। इन तीनों सेल्समैन ने कौन कौन से आइटम और कितनी कितनी क्वांटिटी सेल की है वो यहाँ पर उसकी डिटेल आ गई। इसके बाद डैशबोर्ड में जाएंगे, यहाँ से हम फिल्टर को क्लियर कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से आइटम वाइज अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर पीरियड का डेटा देखना है तो आप उसे यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे ये देखना है कि मैंने अप्रैल 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक कितना सेल किया है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर 2020 लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर आप अप्रैल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे अप्रैल का डेटा आ गया। इसके बाद मान लीजिए मुझे यहाँ पर अप्रैल से लेकर अगस्त तक का डेटा देखना है तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आपको एक एरो बना हुआ मिल जाएगा। इसके बाद आप इसे खिसका के अगस्त तक लेकर आएंगे और यहाँ पर लाके आप इसे छोड़ देंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे अप्रैल से लेकर अगस्त 2020 तक का ये जो डेटा है ये आ चुका है। आप MIS रिपोर्ट में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको अप्रैल से लेकर अगस्त 2020 तक का ही डेटा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आप यहाँ पर क्लिक करके डेज, मंथ, क्वार्टर या ईयर के हिसाब से भी अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ईयर के हिसाब से अपने डेटा को फिल्टर करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर 2019 और 2020 लिखा हुआ आ चुका है। तो अगर आपको 2019 का डेटा देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जो डेटा आपके सामने आया है ये 2019 का है। अगर आप 2020 का डेटा देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपके सामने डेटा आया है ये 2020 का है। अगर आप MIS रिपोर्ट ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 1 जनवरी 2020 से लेकर अब तक का जो डेटा है वो दिखाई देगा। आज की डेट है 12 अगस्त 2020, तो 1 जनवरी 2020 से लेकर 12 अगस्त 2020 तक का डेटा आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर जितनी भी रिपोर्ट आपको दिखाई दे रही है ये 2020 की हैं।
तो दोस्तों ये तो था इसका डेमो, इसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा मेन डेटा, इस डेटा के बेस पर हम अपनी MIS रिपोर्ट और डैशबोर्ड तैयार करने वाले हैं। इस पूरे डेटा में हमने करीब 500 एंट्रीज की हुई हैं। यहाँ पर हम MIS रिपोर्ट और डैशबोर्ड तैयार करने के लिए यूज करने वाले हैं प्योर टेबल स्लाइसर और टाइमलाइन का। तो सबसे पहला काम आपको यहाँ पर ये करना है कि ये जो आपका डेटा है इसे आपको एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना है। किसी भी डेटा को एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने से बेनिफिट ये होता है कि हमने जो भी अपनी शीट में फॉर्मूला या फंक्शन लगाया होगा वो ऑटोमेटिक अपडेट होता रहता है। जब भी हम कोई नई एंट्री करेंगे तो हमें अपने फॉर्मूला या फंक्शन को मैनुअली अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो किसी भी डेटा को एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको अपने डेटा में आना है, किसी भी सेल पर क्लिक करना है। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और टी बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्रिएट टेबल की विंडो आ जाएगी। यहाँ पर जो हमारी रेंज है ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी, इसे हमें सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अगर आप मैनुअली सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके भी अपनी रेंज का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा माय टेबल हैज हेडर्स का, तो इस पर आपका टिक लगा होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो हमने डेटा लिया है इसमें हमने हेडिंग्स मेंशन की हुई हैं। ओके, इसके बाद हमें यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर जो हमारा डेटा होगा वो एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो टेबल स्टाइल है उसे हमें चेंज करना है क्योंकि यहाँ पर जो हमारी हेडिंग्स हैं वो अच्छे तरीके से दिखाई नहीं दे रही हैं। तो टेबल स्टाइल को चेंज करने के लिए आपको जाना है डिज़ाइन टैब में। इसके बाद आपको यहाँ पर टेबल स्टाइल मिल जाता है, तो जो भी टेबल स्टाइल आपको पसंद है आप सिंपली उस टेबल स्टाइल पर क्लिक करके यहाँ पर टेबल स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर और भी टेबल स्टाइल देखने को मिल जाएंगे, तो जो भी टेबल स्टाइल पसंद आता है आपको आप उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये वाला टेबल स्टाइल पसंद है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये टेबल स्टाइल अप्लाई हो जाएगा और जो हमारा डेटा है वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई देने लगेगा। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर तीन पियोर टेबल इंसर्ट करनी है। पियोर टेबल इंसर्ट करने के लिए हमें जाना होगा इंसर्ट टैब में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर पियोर टेबल का ऑप्शन मिल जाएगा तो हम सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो हमारी रेंज है ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी, इसे हमें मैनुअली सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जो हम अपनी पियोर टेबल बनाना चाहते हैं वो न्यू वर्कशीट पर बनाना चाहते हैं तो हमें न्यू वर्कशीट पर क्लिक करना है। इसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर एक नई शीट बनकर आ जाएगी और यहाँ पर हमारी ब्लैंक पियोर टेबल आ जाएगी। इस साइड आप देखेंगे तो हमारी पियोर टेबल की फील्ड्स आ जाएंगी। यहाँ पर ये जो फील्ड्स आपको दिखाई दे रही हैं ये हमारी मास्टर शीट की हेडिंग्स हैं। इसके बाद यहाँ पर जो शीट है इसे मैं रीनेम कर लेता हूँ। रीनेम करने के लिए हम अपनी शीट पर माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद मैं इसे नाम दे देता हूँ प्योर टेबल। ओके, इसके बाद यहाँ पर हम अपनी रिपोर्ट जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी पहली MIS रिपोर्ट होगी पार्टी वाइज अमाउंट की। तो यहाँ पर आपको आना है प्योर टेबल फील्ड्स में, यहाँ पर जो पार्टी नेम आपको दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें यहाँ पर क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए, तो यहाँ पर हम क्लिक करके नीचे आएंगे और यहाँ से हमें अमाउंट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारी पार्टी वाइज समरी है वो निकल के आ चुकी है। यहाँ पर आपको रो लेवल दिखाई दे रहा है तो आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं पार्टी नेम। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो हमारी पार्टी वाइज समरी है ये तो निकल के आ गई है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर एवरेज मैक्स मिन या काउंट की कैलकुलेशन हो जाती है जिसकी वजह से हमें यहाँ पर दिक्कत होती है। तो अगर आपकी वैल्यू का सम यहाँ पर निकल के नहीं आता तो आप अपनी किसी भी वैल्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको माउस का राइट बटन प्रेस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर वैल्यू फील्ड सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है तो हमें सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर ये वैल्यू फील्ड सेटिंग की विंडो आ जाएगी। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा समराइज वैल्यू बाई का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो आपको कैलकुलेशन के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे कि सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन,
प्रोडक्ट और भी यहाँ पर बहुत सारे कैलकुलेशन के ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर आपको अपनी वैल्यू का एवरेज करना है तो आप यहाँ से एवरेज चूज कर सकते हैं, काउंट करना है तो काउंट चूज कर सकते हैं, मैक्स मिन या प्रोडक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहां से किसी भी कैलकुलेशन को चूज कर सकते हैं। जैसे कि हमें अपनी वैल्यू का सम चाहिए तो हमने यहां पर सम पर क्लिक किया, इसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे, जो हमारी वैल्यू होगी उसका सम निकल के यहां पर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहां पर जो हमारी MIS रिपोर्ट बन के आई है इसे एक बार हम अपनी मास्टर शीट से मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक पार्टी है हमारी भोला एंड कंपनी, इसका अमाउंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 89,17,422 रुपया। हम मास्टर शीट में चलते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ से हम भोला एंड कंपनी का फिल्टर लगाएंगे, भोला एंड कंपनी चूज करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर जो अमाउंट का कॉलम है हम इसका सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको 89,17,422 वैल्यू दिखा रहा है और यही वैल्यू आपकी यहाँ पर भी आ रही है। किसी दूसरी पार्टी का देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर है रामा एजेंसी, इसका अमाउंट आ रहा है 1,29,06,346 रामा एजेंसी। अब मास्टर शीट में आएंगे और यहाँ से हम रामा एजेंसी के ऊपर फिल्टर लगाते हैं, यहाँ से ये हो गया रामा एजेंसी, ओके पर क्लिक करेंगे, इसका अमाउंट आप यहां पर देख सकते हैं, वही अमाउंट यहां पर भी शो हो रहा है 1,29,06,346 और यही अमाउंट यहां पर भी आ रहा है। तो यहां पर जो हमारी MIS रिपोर्ट बनके आई है ये एक्यूरेट है, इसमें किसी भी तरह की गलती नहीं है। इसके बाद दोस्तों हम अपनी अगली MIS रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें जाना होगा मास्टर शीट में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर जो हमने रामा एजेंसी का फिल्टर लगाया था इसे हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ हम सिलेक्ट ऑल पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर हमारी जितनी पार्टियाँ होंगी ये सभी सिलेक्ट हो जाएंगी। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारी जितनी पार्टियाँ होंगी उनका डेटा यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अभी जो हम MIS रिपोर्ट बनाना चाहते हैं वो सेल्समैन की क्वांटिटी की समरी बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है इंसर्ट टैब में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इसके बाद हम पीओट टेबल पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर जो हमारी रेंज है ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर इस बार हमें यहाँ पर न्यू वर्कशीट का सिलेक्शन नहीं करना है, इस बार हम अपनी पीओट टेबल वाली शीट में ही दूसरी पीओट टेबल बनाना चाहते हैं। तो हम यहाँ एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर हमें लोकेशन चूज करनी है कि कहाँ पर आप अपनी नई पीओट टेबल बनाना चाहते हैं। तो लोकेशन चूज करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद हम अपनी पीओट टेबल वाली शीट में आएंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, इसके बाद आप जहाँ पर भी अपनी नई पीओट टेबल बनाना चाहते हैं आप उस सेल में क्लिक करिए। जैसे कि मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ तो हमने यहाँ पर क्लिक किया, इसके बाद हम इस आइकन पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये विंडो एक्सपैंड हो जाएगी, इसके बाद हमें यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारी ब्लैंक पीओट टेबल आ गई और इस साइड हमारी इस पीओट टेबल की फील्ड्स आ गई। यहाँ पर हम सेल्समैन वाइज क्वांटिटी की समरी बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सेल्समैन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जितने भी सेल्समैन होंगे वो सभी आ जाएंगे, उनकी लिस्ट आ जाएगी। इसके बाद हमें यहाँ क्वांटिटी पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वांटिटी भी आ चुकी है। यहाँ पर हम रो लेवल को मॉडिफाई कर लेते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं सेल्समैन, ओके। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ही सेकेंड्स में जो हमारी समरी है बनके तैयार है। इसके बाद हम अपनी तीसरी MIS रिपोर्ट बना लेते हैं। इसके बाद हमें अपने डेटा में आना है, इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है, पीओट टेबल पर क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पर हमें एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर क्लिक करना है, यहाँ हम इस बॉक्स में क्लिक करेंगे। दोस्तों अगर आप MS Office का ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करके अपनी पीओट टेबल वाली शीट में जाना है, बाकी अगर आप MS Excel का 2013, 2016 या 2019 या 365 यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इस बॉक्स में क्लिक करेंगे, इसके बाद आप अपनी पीओट टेबल वाली शीट पर क्लिक कर देंगे तो आप इस शीट में आ जाएंगे। इसके बाद आप जहां पर भी अपनी पीओट टेबल बनाना चाहते हैं आप उस सेल में क्लिक करेंगे, इसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर हमारी तीसरी पीओट टेबल आ जाएगी। इसके बाद हम यहां पर क्या तैयार करना चाहते हैं, किस तरह की MIS रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, आइटम वाइज क्वांटिटी।
तो इसके लिए हमें यहाँ आइटम नेम पर टिक लगा देना है। तो यहाँ पर हमारे जितने भी आइटम होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर क्या चाहते हैं, क्वांटिटी, तो यहाँ पर हम क्वांटिटी पर टिक लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारी आइटम वाइज सेल क्वांटिटी आ जाएगी। यहाँ पर आप रो लेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं आइटम नेम। ओके दोस्तों, यहाँ पर जो हमने MIS रिपोर्ट तैयार की है, इन तीनों MIS रिपोर्ट के लिए हमें यहाँ पर चार्ट इंसर्ट करना है। तो चार्ट इंसर्ट करने के लिए हमें आना है अपनी पहली वाली पीओट टेबल में। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, इसके बाद आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको एनालाइज टैब मिल जाता है। ये टैब आपको MS Excel के 2007 और 2010 के वर्जन में नहीं दिखाई देगा। 2007 या 2010 के वर्जन में आपको यहाँ पर ऑप्शन बटन मिलता है, तो आपको ऑप्शंस पर क्लिक करना है। बाकी मैं यूज कर रहा हूँ MS Excel का 2019 का वर्जन, इसलिए यहाँ पर एनालाइज टैब आ रहा है। तो चार्ट इंसर्ट करने के लिए हमें एनालाइज टैब पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इस साइड देखेंगे तो आपको यहाँ पर पीओट चार्ट मिल जाता है, हमें सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर चार्ट इंसर्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, मैप चार्ट और भी बहुत सारे चार्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी चार्ट आपको यूज करना है आप सिंपली उस चार्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पर यूज करना है कॉलम चार्ट, तो मैं यहाँ कॉलम पर क्लिक करूंगा। इसके बाद यहाँ पर पहला जो बाय डिफॉल्ट चार्ट सिलेक्ट है, ये क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है, तो मैं इसी का यूज करने वाला हूँ। बाकी अगर आपको यहाँ पर कोई दूसरा कॉलम चार्ट यूज करना है तो आप यहाँ से दूसरा कॉलम चार्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये वाला ज्यादा बेहतर है क्लस्टर्ड कॉलम का, तो मैं इसी का यूज करूंगा। इसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारा कॉलम चार्ट है पहली पीओट टेबल के लिए वो आ चुका है। इसके बाद हमें अपनी दूसरी पीओट टेबल के लिए भी चार्ट इंसर्ट करना होगा। तो हम अपनी दूसरी पीओट टेबल में आएंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे एनालाइज टैब में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम पीओट चार्ट पर क्लिक कर देंगे। इस बार हम यूज करने वाले हैं बार चार्ट का, तो बार चार्ट के लिए हम यहाँ बार पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो पहला बार चार्ट है इसी का हम यूज करेंगे, क्लस्टर्ड बार का। इसके बाद हम यहां से ओके पर क्लिक कर देंगे। तो हमारी दूसरी पीओट टेबल के लिए भी यहां पर चार्ट इंसर्ट हो गया है। मैं इस चार्ट को यहां कोने से थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं और इसे हम एक साइड में उठा के ले आते हैं। इसके बाद हम अपनी तीसरी पीओट टेबल के लिए भी चार्ट इंसर्ट कर लेते हैं, तो हम इस पीओट टेबल में क्लिक करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे एनालाइज टैब में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें पीओट चार्ट का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, तो इस पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर मैं पाई चार्ट का यूज करने वाला हूँ, तो हमें यहाँ पाई पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो हमारा पाई चार्ट है ये आ जाएगा। यहाँ पर आपको पाई चार्ट के भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि 3D पाई, पाई ऑफ पाई, बार ऑफ पाई और डॉगनट चार्ट। तो इनमें से अगर आपको किसी भी चार्ट का यूज करना है तो आप उस चार्ट पर क्लिक करके उसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये वाला सिंपल सा चार्ट पसंद है, तो मैंने पाई पर क्लिक किया। इसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर तीसरी पीओट टेबल के लिए भी यहाँ पर चार्ट आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा MIS रिपोर्ट है वो और जो हमारा चार्ट है वो सारी चीजें मिक्सअप हो रही हैं, तो जो हमारे चार्ट हैं इसे हम अलग सी शीट पर लेकर जाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक नई शीट इंसर्ट कर लेते हैं और इस शीट को हम एक नाम दे देते हैं। यहाँ पर माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, रीनेम पर क्लिक करेंगे, इसे हम नाम देंगे डैशबोर्ड। इसके बाद यहाँ पर जो शीट है इसे मैं मूव करके लास्ट में लेकर आता हूँ, तो माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे और मास्टर शीट के आगे आएंगे, यहाँ पर अपना माउस छोड़ देंगे, तो जो हमारी शीट है ये मूव हो जाएगी। ठीक इसी तरह मास्टर शीट को हम पहले लेकर आते हैं पीओट टेबल से पहले, तो हम मास्टर शीट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे और पीओट टेबल के आगे आएंगे, यहाँ पर छोड़ देंगे, तो जो हमारी मास्टर शीट है ये पहले नंबर पर आ जाएगी, पीओट टेबल दूसरे पर और डैशबोर्ड का जो हम तैयार करेंगे वो तीसरी शीट है। इसके बाद यहाँ पर जो हमने चार्ट बनाए हैं इसे हमें मूव करके लेकर जाना है डैशबोर्ड वाली शीट में, तो हम पीओट टेबल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो हमारे चार्ट हैं इन तीनों चार्ट का हम सिलेक्शन करेंगे, तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे और माउस का लेफ्ट बटन तीनों चार्ट पर क्लिक करेंगे। ओके तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तीनों चार्ट सिलेक्ट हो गए हैं।
कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो ये तीनों चार्ट कट हो गए हैं। इसके बाद डैशबोर्ड वाली शीट ओपन करेंगे और यहाँ हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस कर देंगे तो तीनों चार्ट यहाँ पर पेस्ट हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर जो हमारी एक्सेल शीट में ग्रिड लाइंस हैं इन्हें हमें रिमूव करना है, तो ग्रिड लाइंस को रिमूव करने के लिए आपको जाना होगा व्यू टैब में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर ग्रिड लाइंस पे से टिक हटा देना है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारी ग्रिड लाइंस हैं वो रिमूव हो चुकी हैं। इसके बाद यहाँ पर जो हमारी एक्सेल शीट है इसका बैकग्राउंड हम चेंज कर देते हैं, तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो हमारी पूरी एक्सेल शीट है ये सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद हम होम टैब पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आएंगे हम फिल कलर में और यहाँ से हम जो भी कलर आपको पसंद है आप उस कलर को यहाँ पर चूज कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर ब्लैक रखना है तो मैं ब्लैक पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो हमारी एक्सेल शीट है इसका थीम ब्लैक हो जाएगा। दोस्तों आप सभी के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि एक्सेल में डैशबोर्ड किसे कहा जाता है। तो जब भी हम अपने मुश्किल से मुश्किल डेटा को चार्ट्स और ग्राफ के जरिए इजी वे में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम डैशबोर्ड बोलते हैं। अपने डेटा को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए आपको डैशबोर्ड की डिजाइनिंग करनी होगी ताकि कोई भी बड़ी आसानी से आपके डेटा को समझ जाए। तो यहाँ पर जो हमने चार्ट इंसर्ट किए हैं इनकी हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पहले नंबर पर हम पाई चार्ट रखेंगे, इसके बाद यहाँ पर जो कॉलम चार्ट है इसे हम दूसरे नंबर पर रखेंगे और जो हमारा बार चार्ट है इसे हम यहाँ तीसरे नंबर पर रखेंगे। यहाँ पर आप इसके विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अगर किसी की लंबाई घटानी या बढ़ानी है तो आप यहाँ से अपने चार्ट की लंबाई घटा या बढ़ा सकते हैं। और यहाँ नीचे से अगर आपको चौड़ाई बढ़ानी है तो आप यहाँ नीचे से पकड़ के इसे अपने चार्ट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो बार चार्ट है इसकी भी विड्थ को हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और लंबाई को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो हमारे तीनों चार्ट हैं इनका हम डिज़ाइन चेंज कर लेते हैं। तो डिज़ाइन चेंज करने के लिए आपको किसी भी चार्ट पर क्लिक करना है, तो जैसे ही आप किसी भी चार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एनालाइज डिज़ाइन और फॉर्मेट की टैब आ जाएगी। तो अभी हमें डिज़ाइन चेंज करना है तो हम यहाँ डिज़ाइन टैब पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे चार्ट स्टाइल देखने को मिल जाते हैं, तो जो भी चार्ट स्टाइल आपको पसंद है आप यहाँ पर क्लिक करके चार्ट स्टाइल को चूज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो कलर आ रहे हैं अगर आपको ये कलर पसंद नहीं है तो आप यहाँ चेंज कलर पर क्लिक करके जो चार्ट का कलर है उसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको और भी कलर देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप अपने जो चार्ट का कलर है उसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला चार्ट कलर है ये ज़्यादा कलरफुल है तो मैं इसी का यूज़ करने वाला हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर चार्ट के बहुत सारे स्टाइल देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि डार्क है यहाँ पर और ये लाइट डार्क है, तो मैं इसका यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये चार्ट स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो कॉलम चार्ट है इसका भी हम जो डिज़ाइन है उसे चेंज कर लेते हैं, तो हम जाएंगे डिज़ाइन टैब में। इसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे चार्ट स्टाइल देखने को मिल जाएंगे, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो और भी चार्ट स्टाइल यहाँ पर आ जाएंगे। तो जिसमें भी आपका डेटा अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है आप उसी चार्ट का यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मेरे हिसाब से जो डार्क रहेगा चार्ट वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके डेटा को रिप्रेजेंट कर पाएगा। तो यहाँ पर स्टाइल नंबर 9 है, मैं इसी का यूज़ करूँगा क्योंकि यहाँ पर जो मेरा डेटा है वो अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। इसके बाद दोस्तों हम अपने तीसरे चार्ट का भी डिज़ाइन चेंज कर लेते हैं, तो हम इस चार्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको डार्क डिज़ाइन रखना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो बार आपको दिखाई दे रहा है ये कलर मुझे पसंद नहीं आ रहा है, पसंद तो आ रहा है लेकिन यहाँ पर जो दूसरे चार्ट का कलर है वो सेम टू सेम मैच कर रहा है, इसलिए मैं इस कलर को चेंज करना चाहता हूँ। तो हम यहाँ बार पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे हमारे जितने भी बार हैं ये सभी सिलेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद हम चेंज कलर में आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर जिस भी कलर को यूज़ करना है आप यहाँ से उस कलर को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला कलर मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारा डेटा है वो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस चार्ट की जो विड्थ है मैं इसे थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी पार्टियों के नाम है वो अच्छे तरीके से दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मैं इस चार्ट को थोड़ा सा आगे की तरफ खिसकाता हूँ और यहाँ पर ये जो चार्ट है इसकी लेंथ को हम बढ़ाएंगे। तो इसके लिए इस चार्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे, इसके बाद हम इसे थोड़ा सा आगे की तरफ खिसका देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी पार्टियों के नाम है वो हमें अच्छे तरीके से दिखाई दे रहे हैं। बाकी यहाँ पर मैं इस चार्ट को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप दूसरे चार्ट में देखेंगे तो जो हमारी पार्टियों के नाम आ रहे हैं वो कुछ इस तरीके से थोड़ा टेढ़े टेढ़े आ रहे हैं। वैसे तो ये बढ़िया है, देखने में अच्छा भी लग रहा है, लेकिन अगर आपको इसका ओरिएंटेशन चेंज करना है तो आपको किसी भी पार्टी के नेम पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो हमारी पार्टियों का बॉक्स है ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप जाएंगे होम टैब में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर ओरिएंटेशन का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आप क्लिक करिए। इसके बाद आपको यहाँ पर जो भी ओरिएंटेशन रखना है आप उस ओरिएंटेशन पर क्लिक करके यहाँ पर ओरिएंटेशन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो पहले वाला ओरिएंटेशन था वो ज़्यादा बेहतर था, तो मैं उसी का यूज़ करने वाला हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो पहला है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, इसी ओरिएंटेशन का हम यूज़ करेंगे। तो हम सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो हमारा ओरिएंटेशन है ये चेंज हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इन तीनों चार्ट में जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उन्हें हम रिमूव कर देते हैं, ताकि जो हमारा चार्ट है वो और भी अच्छे तरीके से हमें दिखाई दे। तो यहाँ पर तीनों चार्ट में जो टोटल लिखा हुआ है इसे हमें रिमूव करना है। तो हम किसी भी टोटल पर क्लिक करेंगे, माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, डिलीट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से टोटल रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे, माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, डिलीट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी ये टोटल रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे टोटल पे। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर अपने कीबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाएंगे तो ये भी रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर भी ये फालतू की चीज़ यहाँ पर शो हो रही है तो इसे भी हमें डिलीट करना है। तो इस पर हमने क्लिक किया, डिलीट बटन दबाएंगे तो ये भी डिलीट हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो सम ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ अमाउंट, सम ऑफ क्वांटिटी दिखा रहा है इन्हें हमें रिमूव करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस पर क्लिक करना है, माउस का राइट बटन प्रेस करना है, हाइड ऑल फील्ड बटन ऑन चार्ट इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से जो फील्ड होगी वो रिमूव हो जाएगी, हमें यहाँ से इसे भी रिमूव करना है। माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, हाइड ऑल फील्ड बटन ऑन चार्ट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जितने भी फील्ड बटन थे वो सभी रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पर टोटल आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे और डिलीट बटन दबाएंगे तो टोटल रिमूव हो गया। यहाँ पर भी टोटल आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, डिलीट बटन दबाएंगे, ये भी रिमूव हो गया। यहाँ पर जो फील्ड आ रही है इसे हमें हाइड करना है तो माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, हाइड ऑल फील्ड बटन ऑन चार्ट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से ये भी फील्ड रिमूव हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको फील्ड को डिलीट नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों आप इस चार्ट में देखेंगे तो आपको यहाँ हल्की हल्की लाइन देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको इन लाइनों को रिमूव करना है, अगर आपको यहाँ पर ये लाइनें नहीं चाहिए तो आप सिंपली यहाँ लाइन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारी लाइनें हैं ये सिलेक्ट हो चुकी हैं, यहाँ पर लाइनों का सिलेक्शन हो चुका है। इसके बाद अगर हम अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाएंगे तो यहाँ पर जो लाइन है ये रिमूव हो चुकी है। ठीक इसी तरह इस चार्ट में भी आप यहाँ पर हल्की हल्की लाइनें देख सकते हैं। अगर आपको इन्हें रिमूव करना है तो आप यहाँ लाइन पर क्लिक करेंगे। ध्यान रखना आपको लाइन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो हमारी लाइन है ये सिलेक्ट हो चुकी है। इसके बाद अगर हम डिलीट बटन दबाएंगे तो यहाँ से भी जो लाइन है ये रिमूव हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर भी आपको ये लाइन देखने को मिलती हैं। अगर आपको इन्हें भी रिमूव करना है तो आप यहाँ लाइन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ डिलीट बटन दबाएंगे तो यहाँ से जो लाइनें हैं ये भी रिमूव हो जाएंगी। दोस्तों अगर आप अपने किसी भी चार्ट में यहाँ पर वैल्यू को दिखाना चाहते हैं तो आप वैल्यू को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारी पार्टियों के नाम हैं, इनके ऊपर आप देखेंगे तो कोई भी वैल्यू नहीं शो हो रही है। और ठीक इसी तरह जो हमारे सेल्समैन हैं इनकी भी वैल्यू यहाँ पर नहीं शो हो रही है। तो अगर आपको यहाँ पर वैल्यू भी दिखानी है किसी भी चार्ट में तो आपको यहाँ पर जो बार दिया गया है आपको इस पर क्लिक करना है। बाकी अगर आपको यहाँ पर कॉलम चार्ट में भी चाहिए तो आपको यहाँ पर जो कॉलम चार्ट मिलता है इस पर क्लिक करना है। बाकी यहाँ पर जो बार चार्ट है इसकी हम वैल्यू चाहते हैं तो हमने इस पर क्लिक किया। इसके बाद माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एड डेटा लेबल्स का, तो इस पर हमें आना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक आइकन मिल जाता है,
इसके बाद आप आएंगे यहाँ एड डेटा लेवल्स पर, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यूज होंगी वो आ जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे आइटम नेम थे वो आइटम यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं और उनकी वैल्यू भी नहीं शो रही है। तो अगर आप चाहते हैं जो आपके आइटम है वो भी शो होते रहें, उनकी वैल्यू भी यहाँ पर शो होती रहे, तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद आपको आना है फॉर्मेट डेटा लेबल्स पर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद इस साइड एक विंडो ओपन हो जाएगी फॉर्मेट डेटा लेबल्स की। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैटेगरी नेम का। तो अगर आप चाहते हैं जो आपके आइटम हैं उनका भी नाम आपके चार्ट में शो होता रहे, तो आपको इस पर टिक लगा देना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारे आइटम थे उनकी लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है, वो सभी यहाँ पर शो हो रहे हैं। बाकी अगर आपको जो अपनी वैल्यू है वो परसेंटेज में दिखानी है तो आप परसेंटेज पर टिक लगा के रखेंगे। अगर वैल्यू में दिखानी है तो आप यहाँ वैल्यू पर टिक लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारे वैल्यू है वो परसेंटेज में भी शो हो रही है और नॉर्मल वैल्यू भी शो हो रही है। तो अगर आपको परसेंटेज को रिमूव करना है तो आप यहाँ परसेंटेज पर क्लिक करके यहाँ से परसेंटेज को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ वैल्यू दिखाई देगी। बाकी अगर आप यहाँ पर वैल्यू नहीं चाहते, आप सिर्फ परसेंटेज चाहते हैं, तो आप यहाँ वैल्यू पे से टिक हटाएंगे और यहाँ परसेंटेज पर टिक लगा देंगे। तो आप इस चार्ट में देखेंगे आइटम नेम के नीचे आपका परसेंटेज आ चुका है। तो यहाँ पर हमें परसेंटेज ही चाहिए, तो हमने यहाँ परसेंटेज पर टिक लगा दिया। इसके बाद आप इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर स्लाइसर इंसर्ट करना है। स्लाइसर की मदद से हम अपने चार्ट को बड़ी आसानी से फिल्टर कर सकते हैं। तो स्लाइसर इंसर्ट करने के लिए आपको किसी भी चार्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको जाना है एनालाइज टैब में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन मिल जाता है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम तीन स्लाइसर इंसर्ट करने वाले हैं, पार्टी नेम का, सेल्समैन नेम का और यहाँ पर आइटम नेम का। तो इन तीनों का स्लाइसर ऐड करने के लिए हम यहाँ पार्टी नेम पर टिक लगाएंगे, सेल्समैन पर टिक लगाएंगे, आइटम नेम पर टिक लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तीन स्लाइसर आ चुके हैं। तो इन तीनों स्लाइसर को हम यहाँ नीचे सेट करेंगे। तो सबसे पहला स्लाइसर है यहाँ पर पार्टी नेम का। तो यहाँ पर जो पार्टियाँ हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये जो पार्टियाँ हैं ये एक ही कॉलम में आ रही हैं, तो यहाँ पर हमें कॉलम की संख्या बढ़ानी होगी। तो इस स्लाइसर के कॉलम की संख्या बढ़ाने के लिए हम इस स्लाइसर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप इस साइड आएंगे तो यहाँ पर आपको कॉलम्स की संख्या मिल जाती है। आप यहाँ से अपने स्लाइसर के लिए कॉलम को बढ़ा सकते हैं और कॉलम को घटा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली अपने कॉलम की विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और हाइट को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कॉलम तीन कर दिए हैं और आप इस स्लाइसर में देखेंगे तो यहाँ पर तीन कॉलम में हमारी पार्टियों की लिस्ट आ चुकी है। इसके बाद यहाँ से हम अपने स्लाइसर की जो विड्थ है इसे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और यहाँ पर जो हाइट है इसकी इसे थोड़ा सा कम कर लेते हैं। इसके बाद हम इसे यहाँ नीचे फिट कर देते हैं। यहाँ नीचे से भी इसकी हाइट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। यहाँ नीचे हमने फिट कर दिया, इसकी विड्थ को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो हमारी पार्टियों के नाम हैं वो अच्छे तरीके से नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो स्लाइसर की विड्थ है इसे हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं ताकि यहाँ पर जो हमारी पार्टीज हैं इनका नाम हमें अच्छे तरीके से दिखाई देने लगे। इसके बाद यहाँ पर जो दो स्लाइसर हैं इनके लिए हमें दो दो कॉलम इंसर्ट करने हैं। तो सेल्समैन वाला जो कॉलम है स्लाइसर है इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ आपको कॉलम का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से कॉलम की संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दो कॉलम रखना है, तो यहाँ पर हमने दो कॉलम ले लिया और यहाँ पर दो कॉलम आ चुके हैं। इसके बाद यहाँ से हम इसकी विड्थ को कम कर लेते हैं, हाइट को कम कर लेते हैं। इसके बाद इसे हम यहाँ नीचे ला के सेट कर देंगे। इसके बाद यहाँ आइटम नेम का जो स्लाइसर है इसको भी हमें दो कॉलम में लेकर आना है, तो हम इस स्लाइसर पर क्लिक करेंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, यहाँ से कॉलम की संख्या बढ़ा लेंगे। यहाँ पर ये भी दो कॉलम में आ चुके हैं हमारे आइटम नेम, इसे भी हम यहाँ नीचे ला के सेट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर एक टाइम लाइन इंसर्ट करनी है। टाइम लाइन की मदद से हम अपने सभी चार्ट को पीरियड के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो टाइमलाइन इंसर्ट करने के लिए आपको किसी भी चार्ट पर क्लिक करना है।
इसके बाद आपको जाना है एनालाइज टैब में। इसके बाद आपको यहाँ पर इंसर्ट टाइमलाइन का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर हम डेट सिलेक्ट करेंगे, इस पर टिक लगाएंगे। इसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर जो हमारी टाइमलाइन है ये आ चुकी है। इसे हम उठा के यहाँ नीचे लाएंगे और यहाँ पर जो इसकी विड्थ है ये ठीक है, तो इसे हम रहने देंगे इतना ही। इसके बाद दोस्तों हम स्लाइसर की मदद से अपने चार्ट को फिल्टर करके देखते हैं और यहाँ पर ये चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे तीनों चार्ट यहाँ पर एक साथ चेंज होते हैं या नहीं होते हैं। तो हम यहाँ पार्टी नेम अम्बेजेंसी है, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सिर्फ ये चार्ट चेंज हुआ है, बाकी के यहाँ पर जितने भी चार्ट हैं ये चेंज नहीं हुए हैं। हम किसी दूसरी पार्टी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे सिर्फ यही चार्ट चेंज हो रहा है। यहाँ पर ये दोनों चार्ट हैं, ये चार्ट चेंज नहीं हो रहे हैं। हम यहाँ पर दो पार्टियों का सिलेक्शन करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे हमारी जो दो पार्टियाँ हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं, लेकिन ये दोनों चार्ट इनमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं हुआ है। यहाँ से हम फिल्टर को रिमूव करते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ सेल्समैन वाले स्लाइसर पर आते हैं और यहाँ पर किसी नाम पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो सिर्फ दूसरा चार्ट है वो चेंज हो रहा है और यहाँ पर जो पहला चार्ट है और तीसरा चार्ट है ये चेंज नहीं हो रहे हैं। मैं किसी दूसरे नाम पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सिर्फ दूसरा चार्ट चेंज हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने जितने भी स्लाइसर ऐड किए हैं वो सभी स्लाइसर हमने दूसरे चार्ट का सिलेक्शन करके किया है, इसलिए यहाँ पर जो दूसरा चार्ट है वो इन सभी स्लाइसर से लिंक हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने जितने भी स्लाइसर इंसर्ट किए हैं इन सभी स्लाइसर को हमें इन तीनों चार्ट से लिंक करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें पहले स्लाइसर पर आना है, माउस का राइट बटन प्रेस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट कनेक्शंस का, तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी पहली पीओट टेबल है ये तो लिंक है, लेकिन यहाँ पर जो दूसरी पीओट टेबल है और तीसरी पीओट टेबल है ये लिंक नहीं है इस स्लाइसर से, तो इसे हमें लिंक करना है। तो इस पर हम टिक लगाएंगे इन दोनों पीओट टेबल पे। इसके बाद हम यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगर हम यहाँ पार्टी नेम चेंज करेंगे तो आप लोग देखना ये तीनों जो चार्ट हैं ये अपने हिसाब से चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर मैं दो पार्टियों के नाम चूज करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी दो पार्टियों के जो डेटा है वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ से मैं फिल्टर को रिमूव करता हूँ। इसके बाद हम इस स्लाइसर को भी अपनी सभी पीओट टेबल से लिंक करते हैं, तो इसके लिए हम इस स्लाइसर में आएंगे, माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, रिपोर्ट कनेक्शंस में आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो हमारी पीओट टेबल है इन पर टिक लगा देंगे सभी पीओट टेबल पर, ओके पर क्लिक कर देंगे। तो जो हमारी पीओट टेबल है ये लिंक हो चुकी है और पीओट टेबल के ही बेस पर हमने चार्ट इंसर्ट किया था, तो यहाँ पर जो स्लाइसर है वो पीओट टेबल और पीओट चार्ट से लिंक हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम किसी का नाम चूज करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारे तीनों चार्ट हैं वो अपने हिसाब से यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर जो हमने स्लाइसर इंसर्ट किया है आइटम नेम का, इसमें भी हम अपनी सभी पीओट टेबल को लिंक कर देते हैं, तो इसके लिए माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, रिपोर्ट कनेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर सभी पीओट टेबल पर टिक लगाएंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये जो स्लाइसर है ये हमारी पीओट टेबल और पीओट चार्ट से लिंक हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर जो हमने टाइम लाइन ऐड किया है इसे भी हमें अपनी सभी पीओट टेबल से लिंक करना होगा, तो हम अपनी टाइमलाइन पर आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, रिपोर्ट कनेक्शंस में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जितनी भी पीओट टेबल आपको दिखाई दे रही है सभी पर टिक लगाइए, ओके पर क्लिक करिए। तो अभी यहाँ पर जितने भी स्लाइसर हैं और टाइमलाइन है ये सभी हमारे पीओट टेबल और पीओट चार्ट से लिंक हो चुके हैं। इसके बाद अगर मैं यहाँ किसी पार्टी पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मैं मनोज एंड कंपनी पर क्लिक करता हूँ तो मनोज एंड कंपनी का डेटा यहाँ पर आ गया। अगर आप यहाँ पर मैन्युअली किसी पार्टी का सिलेक्शन करना चाहते हैं और उसका डेटा देखना चाहते हैं तो आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखना है और जिस भी पार्टी का डेटा आपको देखना है आप उस पार्टी पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमने दो पार्टियाँ सिलेक्ट कर ली, हमें राधा एंटरप्राइजेस का भी चाहिए तो हमने इस पर क्लिक किया, होम ट्रेडर का भी डेटा देखना है तो हमने इस पर भी क्लिक किया। तो यहाँ पर हमने चार पार्टियाँ सिलेक्ट कर ली हैं। इसके बाद हम अपने
इसके बाद हम यहाँ कंट्रोल बटन छोड़ेंगे तो आप लोग देखेंगे जो हमारा डेटा है वो ऑटोमेटिक तीनों चार्ट में चेंज हो चुका है। अब अगर हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो हमारा सेल्समैन है अजय, इसने इन चारों पार्टियों को कितना क्वांटिटी सेल किया, तो उसके लिए आप यहाँ पर इसका नाम चूज करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारा डेटा है वो ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है। यहाँ पर अजय जो हमारा सेल्समैन है उसने अंबे एजेंसी को इतना मटेरियल सेल किया, मनोज एंड कंपनी को बहुत ज़्यादा किया है, ओम ट्रेडर को भी थोड़ा सा किया है और राधा एंटरप्राइजेस को भी थोड़ा सा मटेरियल सेल किया है। यहाँ पर इस